तवांग न्यूज 24/7 के सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आज के कुछ समाचार। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने 22वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस पर हर साल 26 जुलाई को युद्ध में सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें भारतीय सेना ने कारगिल सेक्टर में सभी चौकियों पर कब्जा कर लिया था जिस पर पाकिस्तान का कब्जा था। इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई देते हुए मिश्रा ने कहा कि हमारे सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वर्तमान और आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। मिश्रा ने लोगों को अपने संदेश में कहा, आइए हम अपनी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा, संरक्षण और रक्षा करने और अपने देश की एकता और अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आलो लिबांग, विधायक तवांग सिरिंग टाशी लेकी गंबू, जेडपीसी तवांग, डीसी तवांग संग फुनचोक आईएएस, बोमगे कमदुक एसपी तवांग, जेडपीएम लुमला थुतन गंबू, वरिष्ठ जन नेता और अधिकारियों की उपस्थिति में खांडू डवा जांगमो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तवांग में नए इंडोर रोगी विभाग का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नए आईपीडी वार्ड और सीटी स्कैन मशीन को जन सेवा में समर्पित किया और सभी को बधाई दी। बाद में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग युद्ध स्मारक पर मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। छूजे में जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना पर गर्व है। बहुत सारा प्लान हम लोग ने बनाया है, दिल्ली में भी हम लोग ने चर्चा किया है, बहुत सारा चीज का एग्जीक्यूशन भी ऑन ग्राउंड यहाँ पे हो रहा है। आने वाला दिनों में जो फैसिलिटी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपना इंडियन आर्मी को हम लोग बहुत अच्छा सक्षम हम लोग बनाएंगे। हम सबको पता है कि अक्रॉस द बॉर्डर टिबेट चाइना साइड में डेवलपमेंट के क्षेत्र में वो लोग थोड़ा हमसे जरूर आगे है, मगर हमारा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार और राज्य सरकार, हम लोग भी कमिटेड है। भले ही हम लोगों का टोपोग्राफिकल चैलेंजेस इतना टफनेस जितना भी हो, उसका बावजूद भी हम लोग डेवलपमेंट लेके जाएंगे। और ऑपरेशनल मोड ऑफ कंडक्ट में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट और धन्यवाद देना चाहेगा कि हमारा जल, वायु और सेना, एयर, लैंड एंड नेवी, उसको कोऑर्डिनेट करके जो सीडीएस सिस्टम जो बनाया वो बहुत ही अच्छा बनाया। इन ए वार लाइक सिचुएशन जब भी फ्यूचर में युद्ध होगा तो हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, इसका कॉम्बिनेशन के आधार पर हम लोग युद्ध लड़ेंगे। पहले हम लोग का आर्मी अलग से प्लानिंग, एयरफोर्स का अलग से प्लानिंग और नेवी का अलग से प्लानिंग और ऊपर लेवल में इसको सिक्योराइज करने वाला एक एजेंसी नहीं था, तो इतना फ्यूचरिस्टिक एक विजन देखते हुए हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह जी ने ये कदम उठाया है, देश का हित के लिए उठाया है। एडीसी कार्यालय लुंगला से आम जनता के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है कि टोल फ्री नंबर 108 डायल करके सीएससी लुंगला और पीएससी जिमीदांग के लिए 108 एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। जिला निगरानी तवांग के अनुसार आज 217 सैंपल टेस्ट किए गए, 11 ट्रूनेट और 206 आरएटी से, जिसमें से 20 टेस्ट पॉजिटिव आए। तवांग जिले में कुल 200 सक्रिय मामले हैं। होम आइसोलेशन में 189, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में 4 और कोविड देखभाल केंद्र में 7 है। आज 30 कोविड मरीज कोविड से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया। और एक दुखद समाचार में आज सुबह एक और कोविड रोगी की मृत्यु हुई है और कोविड से कुल 16 मृत्यु हुए हैं। और हमेशा की तरह टीडीएसए और एससीडीएस सदस्यों ने रोगी के मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया है। हम तवांग न्यूज 24/7 के सभी सदस्यों के आभारी हैं जिन्होंने इस महामारी में अंतिम संस्कार किया। तो इन्हीं कुछ समाचारों के साथ मैं टाशी डोंडुप आपसे लेता हूँ विदा। कल फिर कुछ नए समाचारों के साथ होगी मुलाकात। शुभ रात्रि। जय हिंद।